ये वाली स्मार्टफोन कंपनी जो इंडिया में आई थी ना, तब इतनी इसने हाइप क्रिएट नहीं की थी। मेरा मतलब आप सोचोगे तो मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन मैं एक तरह से सही भी बोल रहा हूँ। देखो, जैसे कि जब रियलमी वन आया था तो कंपनी की ना इतनी हाइप नहीं थी एक दो दिन में, क्योंकि लोग जान नहीं पा रहे थे कि फ़ोन में क्या स्पेक्स है और फीचर्स, और इसका जो स्नैपड्रैगन है वो तो एकदम नया ही सही आ गया। तो लोग पहले इतना मीडिया टेक को भी नहीं जानते थे, लेकिन स्नैपड्रैगन्स के जब स्मार्टफोन्स आते थे लोग काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट कर देते थे मार्केट में। लेकिन जब लोगों ने इसके आर्टिकल्स, रिव्यूज़ और इसके स्पेसिफिकेशन को देखा तो उन्होंने कहा कि काफ़ी अच्छा फ़ोन है और एक बजट प्राइस फ़ोन है जिसमें आपको हीलियो का P60 इतना पावरफुल हो सकता है, उन्होंने ये भी नहीं सोचा था। तो फ़ोन की जो हाइप है ना, वो काफ़ी ज़्यादा मार्केट में क्रिएट हो। इससे क्या हुआ कि कंपनी को एक मौका मिल गया अपना एक नया स्मार्टफोन्स बनाने के लिए। लेकिन ये सही भी था, क्योंकि कंपनी का जो स्मार्टफोन था वो बेस्ट स्मार्टफोन था बजट कैटेगरीज में। उसके अलावा Realme 2 का जो सस्पेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, और जब Realme 2 आया तो फ़ोन तो ना काफ़ी ज़्यादा पुस्सी निकला, क्योंकि फ़ोन के जो स्पेक्स थे वो इतने सही भी नहीं थे और फ़ोन मिड रेंज स्मार्टफोन भी निकल आता था। और अगर मैं बात करूँ उसके बाद उन्होंने सोचा कि ये फ़ोन लोगों को पसंद नहीं आया, तो इसका क्यों ना एक अपग्रेड निकाला जाए Realme 2 Pro, और वो सारी कमी पूरी की जाएगी Realme 2 में थी। और जो Realme 2 Pro निकाल दिया एक सरप्राइजिंग के नाम से, और उसमें एक और सरप्राइज था जो कि Realme 7 का भी था, जिसके बारे में लोगों को पता भी नहीं था, और वो भी एक सरप्राइजिंग लॉन्च कर दिया इवेंट के दौरान। तो ये जो था एक Realme का पूरा प्लान। और अगर मैं बात करूँ कुछ देर पहले की, तो Realme की तरफ से एक नई लीक आई है जिसमें कि हमें पता लगता है कि जो Realme का स्मार्टफोन है वो कुछ दिन में ही आने वाला है, क्योंकि ये पता लगा है कि जो Realme का अगला स्मार्टफोन होगा वो Helio P60 के संग आएगा। और जबकि अगर मैं कुछ दिन पहले की बात करूँ तो Realme के जो CEO है ना, उन्होंने एक माधव शेट, उन्होंने कहा था कि जो नेक्स्ट स्मार्टफोन होगा Helio P70 के संग आएगा, लेकिन ऐसा कुछ दिखने नहीं वाला, आपको Helio का P60 ही देखने को मिलेगा। और ये जो मैं नहीं कह रहा, ये जो है वो टीना वेबसाइट पे लिस्टेड कर दिया गया है Realme की तरफ से, जो कि कोड के जरिए लिस्टेड किया है RMX1833 के नाम से। और इसमें JavaScript कोर देखने को मिलते हैं जो कि सिंगल कोर है 1560, और जो मल्टी कोर है 5926 है। और इसमें आपको एंड्रॉयड 8 ही देखने को मिलेगा। और अगर प्रोसेसर की बात करूँ तो इसमें आपको Helio P60 देखने को मिलेगा, और बस इसकी अगर बेस फ्रीक्वेंसी 1.99 GHz। तो ये कुछ फीचर्स हैं, ये इसके लीक्स हो गए हैं टीना वेबसाइट पे। और अगर मैं इसके स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो इसमें आपको 6.4 इंच की फुल HD+ डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जो कि 90:9 एक्सपेक्ट रेशियो के साथ। अगर मैं कैमरास की बात करूँ तो इसमें आपको सिंगल कैमरा जो फ्रंट में देखने को मिलेगा जो कि 32 MP का होगा, और बैक में आपको डुअल कैमरा देखने को मिलेंगे 24+16 MP के। और अगर मैं प्रोसेसर की बात करूँ तो इसमें आपको Helio का P60 ही देखने को मिलेगा, P70 अपग्रेड नहीं किया जाएगा। और इसमें आपको जो एंड्रॉयड पाई भी नहीं देखने मिलेगी, एंड्रॉइड 8 पर रन करेगा स्मार्टफोन। 3GB, 4GB, 6GB वाले 3 वेरिएंट होंगे, जिनके स्टोरेज होगी 32/64 और 128GB तक भी हो सकती है। उसके अलावा इसमें अगर मैं बात करूँ डुअल सिम होगा, माइक्रो SD कार्ड स्लॉट होगा, मतलब आपको ट्रिपल स्लॉट देखने मिलेंगे, 4000mAh की नॉन रिमूवेबल बैटरी होगी, फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक और डुअल 4G सपोर्ट फोन होगा। दोस्तों बस यही थे Realme के कुछ लीक्स और स्पेसिफिकेशन, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। और अगर मैं इसके लॉन्चिंग डेट और प्राइस की बात करूँ तो अभी भी रिवील नहीं हुआ है, लेकिन जो फ्राई फोन है आपको लगभग 13,000 से 14,000 रुपये तक के ही बीच देखने को मिलेगा, तो जो कि ये कंफर्म्ड है। और आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ उससे नेक्स्ट वीडियो में, एंड देन दिस शो गर्ल गैजेट 180।